हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, रोज की तरह आज भी हमारी आपके साथ चर्चा होने वाली है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उस पर। और दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह, जैसा कि आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं, आज भी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ही दिनांक 23 जनवरी सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2079 का है। और हिंदी का महीना प्रिय साथियों माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया यानी के दौज। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग होगा व्यतिपात, करण होगा बालव, और राशि रहेगी आज मकर। चंद्रमा आज दोपहर 1:51 पर मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में कर जाएंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज के दिन इस प्रकार से रहेगी, प्रातः 8:32 से लेकर प्रातः 9:54 तक। और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:15 से लेकर के दोपहर 1:03 तक। और इसके अतिरिक्त साथियों आज पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं दोपहर 1:51 से, और सुभाष चंद्र बोस जी की भी आज के दिन जयंती है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब करेंगे आपके साथ चर्चा आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये राशिफल हम आपके सम्मुख लाते हैं बना करके आपके लिए, ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति होती है उसी पर ये आधारित होता है पूरी तरह से। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि एरीज साइन। साथियों आज जो ग्रहों की दशा इशारा कर रही है, संकेत दे रही है, वो आपको शांत तरीके से अपने बारे में एक सोचने का मौका मिल रहा है। समझ लीजिए आज के दिन अपने आप अपने विषय में सोचिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। आपने पिछले समय में कई मौकों पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में हैं। सुलह करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, और खुशी को पाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि आप स्वयं को भी और दूसरों को भी एक और मौका जरूर दें। उपाय आप करें, प्रेमी या प्रेमिका को काले सफेद वस्त्र भेंट में देने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ अंक आपके लिए आज 4 और शुभ रंग आपके लिए है आज काला। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों आज आप वैचारिक तौर पर अपने आप को काफी उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं, और आप एक साथ बहुत सारी चीजों पर काम करना पसंद करेंगे या उनके ऊपर विचार करना पसंद करेंगे, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम फिर क्या निकलता है, इसका परिणाम जीरो निकलता है। कि जब आप कई सारे कामों पर एक साथ काम करना चाहेंगे, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान को केंद्रित रखने की भी आपको बहुत जरूरत है, पहले फोकस करिए एक काम पर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास भी आपको जरूरत है, आवश्यकता है करने की, और दूसरों से सलाह तो बिल्कुल लेकर के कार्य ना करें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और ज्यादा उलझ जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। उपाय आप करें, धन लाभ के लिए उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम, बहुत ही मन ही मन, होठों के अंदर आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए कायदे में। तो हमने तो आपको बताया है कि ऐसे उच्चारण करना है, बहुत ही मन ही मन करना है ये उच्चारण आपने 11 बार या 108 बार। शुभ अंक आपके लिए 8 और शुभ रंग आपके लिए हरा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। अपने देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम दूसरों के प्रति हमारा क्या रवैया है क्या नहीं, वो एक अलग बात हो गई। सबसे पहले तो हम अपने प्रति ईमानदार, अपने प्रति वफादार होने चाहिए, क्योंकि इसी से आप हर स्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए आप अपनी इच्छाओं का बलिदान नहीं कर सकते। जो आपको अच्छा लगे आप वही कार्य करें, और आपको ये सोचने में कुछ थोड़ी बहुत समस्या जरूर बन सकती है कि कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इसलिए सारे पहलुओं को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह शांति से विचार कर लीजिए, उसके बाद अपनी प्राथमिकता के आधार पर आप कार्य करने का फैसला कीजिए। उपाय आप करें, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
शुभ अंक आपके लिए आज 5 और शुभ रंग आपके लिए पीला। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, आज किसी अनियोजित रोमांचक यात्रा पर जाने की भी आपकी संभावना बन रही है। हो सकता है कि बाहर शहर से ना जाएं, आप शहर के अंदर ही, अगर शहर में भी आगत व्यक्ति 5-7-10 किलोमीटर घूम लेता है तो वो भी यात्रा से कम नहीं होता है। लेकिन कुछ भी हो, आपका जो विचार है आज के दिन वो मौज मस्ती करने के मूड में आप रहेंगे और ऐसा होगा भी। अपने मित्र मंडली के साथ मिलना जुलना चाहेंगे, उनके साथ रहना, हंसी मजाक, मौज मस्ती, घूमना फिरना, कुछ इस तरीके का मूड आज आपका बनेगा। आप किसी करीबी के साथ हुए गिले शिकवे भी बहुत भली भांति अच्छी तरह से दूर कर पाएंगे। और आपको पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था यूं तो, लेकिन चलिए नहीं कर सके, कोई बात नहीं, परंतु आज सामने आने पर सब बातें आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर लीजिए। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को बेहतर देखना चाहते हैं उसके लिए लाल या भूरा रंग, भूरा रंग होता है आमतौर पे, तो भूरे रंग के कुत्ते को आप जो है भोजन कराएं, रोटी खिलाएं अपने हाथों से या दूध पिला सकते हैं उसको। शुभ अंक आपके लिए आज 2 और शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, तो साथियों आज के दिन आपको सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि आपकी जो अपनी वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन, उस पर विचार करने की आवश्यकता है गंभीरतापूर्वक। हालांकि धन का खर्च करने में अधिक आपको आनंद आएगा, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि आपको ये जानना चाहिए और जानना होगा, जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, आपको ठंडे दिमाग से कार्य करते हुए, सोच विचार करते हुए अपने परिजनों की बात को भी सुनना चाहिए पैसे से संबंधित। उपाय आप करें, काला सफेद कंबल किसी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान दे सकते हैं, ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ उपाय है। शुभ अंक आपके लिए 6 और शुभ रंग आपके लिए संतरी। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, प्रिय साथियों आज आप थोड़े से एरोगेंट मूड में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर जो सोच है आपकी वो भी उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती, और काम भी कुछ आप उसी अंदाज में करना पसंद करेंगे, और इसके कारण आप किसी बड़े अधिकारी से उलझ सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए, मैं तो कहूंगा कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, नुकसान हो सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है आपको, तो एरोगेंस इतना भी अच्छी बात नहीं है। यही अच्छा होगा कि आप थोड़ा सोच विचार करके ठंडे दिमाग से चीजों को समझते हुए ही, सिचुएशन को देखते हुए ही अपने बॉस के साथ शांति से वार्तालाप करें। हमारी तो यही सलाह रहेगी कि आज आप बाकी दूसरे कार्यों में अपने दिमाग की बात को ज्यादा सुने। व्यवहार कुशलता अगर आपके अंदर रही या आपने अपना व्यवहार अच्छा रखा लोगों के साथ, लोगों के प्रति व्यवहार कुशल रहे, बने रहे आज, तो इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा आपको। उपाय आप कर सकते हैं, अपने बड़े भाई के विचारों का पूरी तरह से सम्मान करने पर और उनकी बातें मानने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए आज 1 और शुभ रंग आपके लिए है आज काला। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, साथियों आज सब कुछ आपके मन चाहे तरीके से होने वाला है, जैसा आप पसंद करेंगे, जैसा आप करना चाहेंगे उसी डायरेक्शन में चीजें चलेंगी, और आपको अपने प्रयासों में भी अच्छी खासी सफलता भी मिलेगी। आप पुराने नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई भी आज कर सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी रहेंगे। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना आपको कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। अगर आपने असावधानी बरती या लापरवाह बने आप, तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और किसी के भी साथ वाद विवाद, आर्गूमेंट्स, हीटेड आर्गूमेंट्स, इन सब चीजों से आपको बचना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन शांतिपूर्वक ढंग से व्यतीत हो। उपाय आप करें, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए खाना खाने के समय पर तांबे या सोने, अगर हो सके तो उसके चम्मच का ही प्रयोग करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 और शुभ रंग आपके लिए आज लाल। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, आज आप उल्लास और कुछ कर गुजरने की पूरी पूरी मूड में आज आप बने रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे कुछ करने के लिए, और आपके सामने आज ऐसे अच्छे काफी अवसर मिल भी सकते हैं आपको, उनका भी आपको लाभ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए, और आप उठाएंगे लाभ जरूर, क्योंकि आपका उत्साह देखते नहीं बनेगा,
आज अगर आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो वित्तीय तौर पर निजी जीवन या फिर संबंधों में बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है आपको। और आज दिन पूरा का पूरा कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता रहेगा और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। ये घटनाक्रम इस प्रकार का होगा कि इसका आप हर पल आनंद लेंगे। उपाय आप करें, चांदी के गिलास से पानी अगर पिएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगा आपके। शुभ अंक आपके लिए आज 8 और शुभ रंग आपके लिए आज सफेद। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, आज अपनी दार्शनिक विचार जो हैं आपके, फिलोसॉफिकल जो थॉट्स हैं, उनको दूसरे लोगों के साथ बांटने का अच्छा दिन है। आपकी मुलाकातें आज किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हो सकती है। इसके एक खूबसूरत दोस्ती जिसको कहते हैं, या एक अच्छी साझेदारी भी इससे जन्म ले सकती है जिस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है या होगी। थोड़े से ध्यान देने से या देखें अगर आप, तो अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को आपको मिलती हैं और आपको सीखनी चाहिए भी। हमें अपने आजू बाजू ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जिनसे हम सीख सकते हैं, और यह ज्ञान कभी कभी बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है, तो आपको भी ऐसा कर लेना चाहिए। हम धनु राशि के जातकों को ये सलाह दे रहे हैं। और आज के दिन कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात हो, जिससे मिलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हम दोनों के विचार बहुत ही सिमिलर हैं। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 और शुभ रंग आपके लिए है आज बैंगनी। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन, मेरे प्रिय साथियों, अभी आपको ऐसा महसूस होगा आज के दिन कि समय बहुत स्लो स्पीड से आगे चल रहा है, लेकिन आपको पेशेंस लूज नहीं करना, अपना धैर्य बना करके रखना है और अपनी उत्सुकता को भी बना करके रखना है। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ रखना पड़ सकता है, और अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से भी बचिए। अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, थोड़ा सा योजना बना करके कार्य करें तो आसानी से आप अपने एजेंडे को पूरा कर पाएंगे। उपाय आप करें, अच्छी सेहत के लिए पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं और उनकी वहीं पर जड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक भी जरूर जलाएं। ऐसा करने पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शुभ अंक आपके लिए आज 9 और शुभ रंग आपके लिए आज पीला। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, प्रिय साथियों, जो भी कार्य आपके अधूरे पड़े हैं, आज के दिन आप अगर चाहेंगे तो उनको पूरा आराम से कर पाएंगे, तो इसलिए जहां तक हो सकता है अपने पेंडिंग कार्यों को क्लियर कीजिए, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपकी दूसरी परेशानियां भी आज के दिन दूर होंगी। उनके बारे में भी आपको ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज अधिक से अधिक कार्य करने की कोशिश आप करिए, क्योंकि आपको आज के अपने सभी कार्यों में सफलता मिलने वाली है, इसलिए हम ये बात जोर दे करके आपसे बोल रहे हैं। आप अपने किसी करीबी से, कोई बहुत ही करीबी है अगर आपका, उससे सलाह ले सकते हैं। उपाय आप ये कीजिए, आज प्रेम संबंधों को और बेहतर और मजबूत करने के लिए तांबे या सोने का कड़ा अगर आप अपने हाथ में धारण करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। शुभ अंक आपके लिए 9 और शुभ रंग आपके लिए आज नीला। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, प्रिय साथियों, अपने सभी विचारों को एक साथ रख लें। जो भी विचार आपके माइंड में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उन सभी विचारों को अपने सामने रख करके फिर उस पर विचार करें, सोचें कि, और जो उससे सोचने समझने के बाद, विचार करने के बाद जो कॉन्क्लूजन निकलेगा, जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, उससे आपको स्थितियों से निपटने में भी काफी हेल्प मिलेगा। और अपने आप को उन चीजों में बिल्कुल ना फंसने दीजिए जिनमें आप अपना कोई बिलीफ नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, इन्हें छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इधर उधर की बातें आप किसी के साथ ना करें, बिल्कुल ना करें। वैसे तो आपकी आदत है भी नहीं कुछ इस तरीके की बात करने की, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी ऐसी बातें करनी पड़ जाती है। उपाय आप करें, एक नीले कपड़े में काली मिर्च, एक कच्चा कोयला और साबुत काली उड़द की दाल बांध करके बहते जल में आपको प्रवाह करना है। ऐसा करने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, फाइनेंशियल
आपकी कंडीशन जो है वो इंप्रूव होगी। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 9 और शुभ रंग आपके लिए आज लाल। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 जनवरी सन 2023 दिन सोमवार संवत 2079 का। लेकिन हमने आपको सभी को लेकर मेष से मीन राशि के जातकों को ये बताने के पश्चात कि आपका आज का दिन कैसा व्यतीत हो सकता है, अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम और अपने सभी आप प्रिय साथियों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ मेरे आप सभी प्रिय साथियों से मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ और आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।